मेरी नींद जैसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का 3D इफेक्ट वाली फोटो, फ्लिकर वाली इफेक्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स वीडियो कैसे बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये वाली जो स्टेटस बनाने के लिए VivaCut एप्लीकेशन लग जाएगी, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस पे चले जाइए और यहाँ पर देखिए आपको इमेज का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस पर चले जाइए। इमेज में जाने के बाद तो यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। जिस भी किसी फोल्डर्स में से आपकी फोटो होगी उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे से मैं एक फोटो को ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पर ये जो फोटो है हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको देखिए रेशो मिल जाएगी, तो यहाँ पर रेशो करने के लिए यहाँ पर कैनवास पे चले जाइए और 9:16 पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके का इसका जो रेशो है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दीजिए जितने सेकेंड का आपको वीडियो बनाना है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाइए ना, VFX पे चले जाना है और यहाँ पे से ये जो फ्लिकर वाली इफेक्ट है उसे आप ऐड कर लीजिए अपने वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फिर से वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है, ओवरले में जाना है, इमेज में आपको सेम वही वाली जो इमेज होगी या दूसरी कोई इमेज आपको सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं जो दूसरी वाली जो इमेज है उसे कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये वाली जो इमेज है उसको यहाँ पर साइड में रख देना, आपके हिसाब से इसे बड़ा छोटा एडजस्ट कर सकते हो। तो इस बाजू में लाने के बाद इसे भी एक्सटेंड कर दीजिए अपने पूरे वीडियो में। उसके बाद ये वाली जो इमेज है इसमें 3D इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पर देखिए आपको साइड यहाँ पर नीचे आपको एनिमेशंस मिल जाएगा, इसमें चले जाना और यहाँ पर देखिए आपको AI 3D कार्ड वाली इफेक्ट मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो एनिमेशन है वो आपके फ़ोटो में लग जाएगी। तो इसे इस तरीके से थोड़ा बड़ा करके प्रॉपरली एडजस्ट कर दीजिए। तो स्टार्टिंग में आ जाइए और यहाँ पर देखिए ओवरले में चले जाइए और ये जो लिरिक्स वाली जो टेम्पलेट है इसे ले लीजिए। लेने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाली जो टेम्पलेट है इसे यहाँ पर थोड़ा छोटा करके यहाँ पर नीचे साइड पर रख देना, उस पर क्लिक कर देना, ब्लेंडिंग में चले जाना, उसे कर देना स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हो इंस्टाग्राम रील्स के लिए तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।